हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू एरा कलेक्शन। आज आपके लिए ओरिजिनल पर वीडियो होने वाली है और मैं आज आपके लिए अदन लिबास का लॉन कलेक्शन लेकर आई हूँ विद लॉन दुपट्टा। ये हमारा एम्ब्रॉयडर्ड होने वाला है। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, मैं मतलब पर्सनली मुझे इतना पसंद आया है कि मतलब एक दो सूट तो मैं भी लेने वाली हूँ ज़रूर इसमें से। तो मैं अब आपको जल्दी दिखा देती हूँ। मेरे पास टोटल 10 पीसेज हैं इसमें और 10 के 10 कॉम्बिनेशन इतने खूबसूरत हैं कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आने। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए मैं आपको जल्द से जल्द दिखा देती हूँ सारे पीसेज। देखिए, इसमें मैं आपको जब मॉडल पिक्चर दिखाऊंगी तो उसमें सारे मेजरमेंट है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसी मॉडल पिक्चर का, तब मुझे प्लीज़ सेंड करिएगा। क्योंकि आप लोग जब प्रिंट्स के मुझे पिक्चर सेंड करते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी यकीन मानिएगा, मुझे देखना पड़ता है कि ये कौन सा सूट में था, ये कौन सा सूट में था, इतना सारा याद नहीं रहता है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब आप लोग स्क्रीनशॉट लें मुझे सेंड करने के लिए, तो प्लीज़ मॉडल पिक्चर का ले लीजिएगा या कोई मतलब ऐसे प्रॉपरली जब खुला हुआ होता है सूट तब ले लीजिएगा, क्योंकि फिर आसानी रहती है मुझे देखने में। तो मैं आपको फर्स्ट डिज़ाइन दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है और यहाँ पे आपको सारा मेजरमेंट मिल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये सारा इसमें मेजरमेंट है कि कौन सा फैब्रिक, कौन सा पार्ट कितने मीटर का है, कितने मतलब उसका मेजरमेंट है, तो वो आप देख लीजिएगा पॉज करके, आपको सब इसमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, सुपर पीसेस भी हैं, आपको इसमें थोड़े से मतलब ब्राइट पीसेस भी मिलेंगे। तो सब तरह के इसमें हमारे पास कलेक्शन आया हुआ है। ये देखिए, ये अगर इन केस वर्क प्लेस पे आपको पहनना है वैसे तो उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि देखिए आप लोग खुद जानते हैं कि समर्स में आप कहीं जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको हल्का भी चाहिए होता है लेकिन ऐसा भी चाहिए होता है कि मतलब थोड़ा सा उसमें अलग सा भी लगे, एलिगेंट सा लगे। तो सारे पीसेज इसमें ऐसे ही हैं, आप देखिएगा मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी जो मैंने फर्स्ट पीस ओपन करा है इसका पेस्टल शेड है, और प्लस इस पर मैं आपको बता दूँ, जितना आप ये देख रहे हैं बीच वाले पैनल पर, जितना आप ये देख रहे हो ना, ये नेक पर ये सारी एम्ब्रॉयड्री है, आपको विजिबल हो पा रही होगी, एम्ब्रॉयड्री है, रेशम प्लस जरी का काम है इसमें। और ये साइड में जितने आप देख रहे हैं ये बूटे हैं, ये प्रिंट है इस पर, ठीक है। और ये हो गई बीच में, ये साइड में इसका पैनल दिया है, वो आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी डिज़ाइनिंग में, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ काफ़ी बार, ये पट्टी दी गई है साइड में। अब आप इसका प्रिंट वगैरह चेक कर लीजिए, नीचे देख लीजिए, अब इसमें पूरा पूरा आपको डिजिटल प्रिंट मिलने वाला है। ये आप देख लीजिए, इस वाइट लाइन के नीचे आप लोग जो देखेंगे आप, वो इसकी बैक वाला पार्ट होगा। बहुत ही खूबसूरत है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक सा दिया है बिल्कुल। और इस वाइट लाइन के नीचे अब आपको मिलेंगी स्लीव्स, ठीक है। ये वाइट लाइन के नीचे आपको ये स्लीव्स हो गई हैं दोनों। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, इस वाले डिज़ाइन में तो ये कटिंग हो गई है, इस पर कट हो गया है जो स्टैम्प लगी है, प्लस जो ये कोड पड़ा है सारा, ये डिज़ाइन का कोड होता है, ठीक है। तो ये आपको दूसरे पीसेस में अगर पूरा अगर हुआ कटिंग नहीं, कट वाला नहीं हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। ये ज़रूरी होता है क्योंकि फिर आप लोग इसको डुप्लीकेट समझने लगते हैं, डुप्लीकेट नहीं है ये, मैं आपको ओरिजिनल पीसेस दिखा रही हूँ अदान लिबास लॉन के। ये देख लीजिए, ये सेम बहुत लाइट शेड में, सोबर शेड में, लॉन फैब्रिक में आपको बॉटम का दिया है। और ये है आपके लिए एक पैच। देखिए, मैं डबल करके आपके लिए रखती हूँ, उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जो पैच है ना उसको अच्छी खासी इन्होंने लंबाई में दिया है। ये देख लीजिए, डबल करके मैंने रखा हुआ है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका लॉन फैब्रिक में दुपट्टा। ये देखिए, ये इसमें लॉन फैब्रिक में दुपट्टा है। और मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं कि देखिए, अब ये मटेरियल आपको देख लीजिए, मेरा हाथ कितना दिख रहा है, ठीक है। लॉन जो होता है वो हल्का ही होता है, थिन ही होता है। अगर इनकेस ये है कि मतलब आपको ज़्यादा मतलब थोड़ा नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं पहन सकते, तो आप इसमें इनर लगाना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है, तो लगा लीजिएगा, क्योंकि फिर उससे कपड़ा मोटा हो जाता है, गेटअप चला जाता है सारा। अगर पॉसिबल हो तो आप इसी की साइज़ की शमीज़ बनवा सकते हैं, वो आप पहन सकते हैं नीचे, तो उसमें आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन लॉन मटेरियल हल्का ही होता है, क्योंकि ये बात आप लोग मुझे बहुत मतलब आप लोग क्वेरी करते हैं ना, तो मैंने फिर सोचा मैं यहीं पर क्लियर कर दूँ, सबको ये बात का आइडिया हो जाएगा कि ये हल्का ही मटेरियल होता है लॉन वाला। आप कभी भी प्योर लॉन लोगे तो वो हल्का ही मिलेगा आपको, ठीक है। और आप लोग देखते हैं लाइट शेड्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इतना नहीं है कि बिल्कुल ही सी थ्रू होगा, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा लाइट शेड में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, डार्क शेड में इतना नहीं पता चलता है, ठीक है।
तो ये हमारा फर्स्ट डिजाइन था, ये वाला। प्राइसेस मैं आपको बता दूं, प्राइसेस इसके ऑलरेडी मेंशन होंगे तो आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा, वही वाले सेम प्राइसेस इसके रहने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट डिजाइन हो गया और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिजाइन पे। ये देखिए, ये आया हमारा एक और खूबसूरत सा पीस। ये हमारा काफी कलरफुल सा होने वाला है क्योंकि इसकी मॉडल पिक्चर देख के लग रहा है। ये होगा इसके पैचेस। अच्छा मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने मुझे जो स्टिचिंग के ऑर्डर्स दिए हैं, देखिए स्टिचिंग में जो है मिनिमम 2 या 3 डेज़ का टाइम हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि इतना लग जाता है, और अगर इन केस ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं तो फिर टाइम थोड़ा सा लग ही जाता है, ठीक है। तो फिर आप लोग थोड़ा सा 2 या 3 डेज़ का टाइम मान के चला करें। और दूसरी बात यह है कि जो स्टिचिंग है वो अभी फ़िलहाल हम लोग, अगर इनकेस लाइनिंग वाला सूट है तो हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि लॉकडाउन में शॉप्स क्लोज्ड हैं और ये है, तो हम लोग लाइनिंग का फैब्रिक प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे साथ में। तो इसलिए अगर इनकेस आपको सिंपल सूट्स चाहिए या ट्राउज़र वाले जो सूट्स होते हैं, आपको बाकी के सारे जितने भी डिज़ाइन हैं कुछ भी आपको करवाना है तो वो स्टिच हो जाएगा। और जब आप लोग मुझे स्टिचिंग का कहा करें, पूछा करें, तो प्लीज़ मुझे ये बता दिया करिए कि आपको किस, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है सूट में, आपको किस तरह का चाहिए, ठीक है। और अब जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा सेकंड डिज़ाइन है। इसमें आप लोग ये खुद देख पा रहे होंगे, सेल्फ में आपको पहले बात तो प्रिंट मिलेगा, ये थोड़ा सा लाइक ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन में है ये वाला डिज़ाइन। और जितना भी आप ये देख रहे हो नेक पर, ये सारा इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है। अब आप नीचे का देख लें, थोड़ा सा ब्लैक कलर में शेड में चेंज हो रहा है, और नीचे की तरफ ये वाला जो प्रिंट है ना, डिजिटल प्रिंट, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये जो पीस है बिल्कुल ही डिफरेंट सा लुक दे रहा है, ये देख लीजिए। और ये इसके नीचे जो है वो आपकी स्लीव्स हैं, ये देख लें। तो स्लीव्स का भी मैं आपको बताऊं, फैब्रिक फुल है, आपको लॉन्ग रखनी है आप लॉन्ग रख सकते हैं, आपको शॉर्ट करनी है आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, फैब्रिक आपको पूरा दिया है उसके में, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा देखिए क्या होता है कि ये हमारा जो बनता है ये थान वाइज बनता है, ठीक है। तो ये कटिंग के वक्त में ही थोड़ी सी ये स्टैम्प कट हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डुप्लीकेट दे रही हूँ, ये आपको खुद भी सोचना चाहिए, थोड़ा कोऑपरेशन आपको भी करना चाहिए कि कटिंग काफ़ी बार हो जाती है। और ये जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसकी बैक वाला पार्ट है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये वाइट लाइन तक इसकी बैक वाला पार्ट हो गया था, जो कि मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ, ये वाइट लाइन तक, ठीक है। और अब चलते हैं हम अपने जो इसके साथ में एक्सेसरी में पार्ट्स दिए गए हैं अलग अलग, ये देखिए, ये ब्लैक कलर में तो इसका बॉटम का फैब्रिक है, ठीक है। मैं आपको बार बार ये बात नहीं बता रही हूँ क्योंकि देखिए कुर्ता बॉटम, इसका जो शर्ट है बॉटम है और दुपट्टा है, तीनों का फैब्रिक प्योर लॉन है। और ये है इसके पैचेस, ये देख लीजिए। और एक बात और जो मुझे क्वेरी आती है स्टिचिंग के रिगार्डिंग, देखिए मैं यहाँ पे सारी बातें इसलिए करती हूँ ताकि आप सब लोग ये बात सुन लें, अलग अलग क्वेरीज क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बार आप लोगों को नहीं मतलब रिस्पॉन्ड कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप, मैं अभी जो बता रही हूँ आप लोग वो सुन लिया करें, ये मत कहा करें कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं या आप मतलब बहुत टाइम वेस्ट करती हैं, ये टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं, आप लोगों को मतलब आपके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता दूँ, जो हमारे आज से आप लोग स्टिचिंग का ऑर्डर देते हैं उसमें काफ़ी बार पैचेस भी होते हैं, कोई ऐसे पैच होते हैं जो कि अब आप खुद देखिए, अगर आप ये ट्राउज़र पे लगवाएंगे तो ये सिंपल प्लेन मतलब स्टिच होके नहीं लगेगा, ये एम्ब्रॉयडरी होके लगेगा पैच जो है। तो एम्ब्रॉयडरी जो है वो हम बाहर से करवाएंगे तो इसकी वजह से, या फिर जो होगी वो अलग होंगे उसके चार्जेस, जो एम्ब्रॉयडरी करके पैच लगेगा ऊपर से अलग से उसके चार्जेस अलग होंगे, जो नॉर्मल स्टिच होके लग जाएगा उसके चार्जेस कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर वो भी आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर्स। ये हो गया हमारे दोनों पैच, ये बॉटम के लिए हैं पैचेस, और ये हो गया हमारा इसका दुपट्टा। दुपट्टा भी इसका बहुत खूबसूरत है, नीचे आप चेक कर लीजिए दुपट्टे को, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी हमें लॉन फैब्रिक पे दिया है। ये हमारा सेकंड डिज़ाइन हो गया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दूँ, मैं जानती हूँ आप लोग ना मतलब ये कहते हैं कि नहीं जल्दी जल्दी दिखा दिया करिए, तो जल्दी दिखा दें। ये हमारा थर्ड पीस है, ये हमारे पास पर्पल शेड में होने वाला है, ये देखिए, ये
पर्पल कलर में पूरा सूट होगा, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि ये मैंने भी खोल के देखा था अपने लिए, बट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए, ये देखिए आप, ये हमारा पर्पल शेड में है, और जितना मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा वैसा देख लीजिए। नेक लाइन पे आप जो ये बीच का पैनल देख रहे हैं, इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है रेशम का जरी का, और सीक्वेंस वर्क हो रहा है, ठीक है। तीन तरह का काम है इस पर। साइड में आपको ये पट्टी दी गई है, और ये देख लीजिए आप। अब इसका नीचे तक प्रिंट देख लीजिए, नीचे आते आते देखिए मैं आपको बताऊँ उसका प्रिंट किस टाइप से। ऊपर आपको बिल्कुल प्रिंट नहीं मिलेगा, नीचे बहुत ही लाइट बिल्कुल ब्लर सा प्रिंट दिया है, और नीचे की तरफ दामन की तरफ आते आते वो प्रिंट डार्क हो गया है, ठीक है। डिजिटल प्रिंट है ये सारा, ये देख लीजिए। अब इस वाइट लाइन से नीचे अब आपका जो बैक पार्ट है वो आ गया, स्टार्ट हो गया, ये देख लीजिए, ठीक है। और इस वाइट लाइन के नीचे अब आप जानते हैं क्या चीज है, स्लीव्स है, ये हो गई, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आप देखिए ये जो यहाँ पे अदान लिबास का जो टैग होता है, जो स्टैंप होता है, वो तो कटिंग का है, लेकिन अब ये वाला हमें पूरा मिल गया है, तो इस टाइप से आपको सब में मिलेगा, ठीक है। ये इसका कोड नंबर है, प्लस डिज़ाइन नंबर दिया गया है साथ में, तो ये आपको साथ में प्रोवाइडेड है सारे डिज़ाइन में, लेकिन किसी डिज़ाइन में कटिंग भी आपको मिल सकती है, कटिंग से मतलब वो स्टैम्प कट मिल सकती है। और ये लॉन में इसका बॉटम का फैब्रिक हो गया, ये इसमें साथ में पैचेस हो गए, पैचेस के बहुत ही खूबसूरत हैं, ये देखिए। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका लॉन फैब्रिक में दुपट्टा, ये चेक करिए लॉन फैब्रिक में दुपट्टा कितना खूबसूरत है इसका, आप प्रिंट जरा चेक करें इसका, बेहद हसीन लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लॉन फैब्रिक में दुपट्टा था, ये हमारा पर्पल शेड वाला प्रिंट हो गया। और अब हमारा नेक्स्ट पीस, ये देख लीजिए, ये भी बहुत प्रिटी होने वाला है, कलरफुल होने वाला है। ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा शेड है ना, वो ब्लू कॉम्बिनेशन है। आपको हो सकता है कि ब्लैक लग रहा हो, क्योंकि काफ़ी बार हो जाता है कि लाइटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन नहीं, ब्लैक नहीं है, ये ब्लू के कॉम्बिनेशन में डार्क ब्लू है, ये देख लीजिए आप। ये मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ शर्ट दिखाने की। ये बीच में जितना भी आप देखेंगे नेक पर, ये सिर्फ एम्ब्रॉयडरी है, साइड में जो ये आप देख रहे हैं सारा डिजिटल प्रिंट है, और ये साइड में आपको मस्टर्ड शेड में इसमें पट्टी दी गई है एक्स्ट्रा, ये आप देख लीजिए सारा प्रिंट है नीचे तक दामन तक। ये वाइट लाइन हो गई, और वाइट लाइन से नीचे अब ये बैक वाला पार्ट है, और इस वाइट लाइन के नीचे जो है अब आपकी स्लीव्स है, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये हो गया इसके बॉटम वाला पार्ट लॉन फैब्रिक में, और ये हो गया इसका बॉटम के पैच। और ये इसका लॉन फैब्रिक में दुपट्टा, ठीक है, लॉन फैब्रिक में ये प्रिंटेड दुपट्टा है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको अगर इनकेस ये लग रहा हो कि मतलब ये तो वैसे है, मतलब सिंपल एम्ब्रॉयडरी है, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा है, मतलब और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना, जो ये आप देख रहे हैं, इसमें सर्जरी का रेशम का सारा मिक्सडअप काम है, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे हैं, तो ये आप देख लीजिए। और इसमें मेरे पास टोटल 10 पीस ही हैं, और अगर इनकेस कोई सेल हो जाता है तो प्लीज़ री स्टॉक के लिए मत कहिएगा, क्योंकि री स्टॉक इसका पॉसिबल नहीं है, ये सिंगल्स में नहीं आते, ये ओनली कैटलॉग वाइज ही हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। अब ये हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन है, ये देख लीजिए, ये भी हमारा डार्क ब्लू शेड में है, ये भी देखिए आपको इन केस अगर सिमिलर टू ब्लैक लग रहा है तो प्लीज़ ब्लैक नहीं है, ये आपका ब्लू शेड में है, डार्क ब्लू शेड में है ये वाला भी। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये डार्क ब्लू में है, इससे पहले जो मैंने जिस टाइप भी आपको दिखाया वो भी डार्क ब्लू में मैंने बताया था, वो वाला जो है उसमें हल्का सा लाइक ग्रीन का सा टच आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर डार्क ब्लू है, वो हल्का सा ग्रीन टच में है, तो क्या होता है कि अगर आप इनके इस प्रॉपर स्क्रीनशॉट सेंड नहीं करेंगे तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगा अभी दोनों में, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ऐसा सेंड करिएगा कि मुझे डिज़ाइन समझ में आ जाए।
अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा ये जो मैं आपका मैं दिखा रही हूँ बीच में जितना भी आप देख रहे हैं ये सारी एम्ब्रॉयडरी है। ये वाला जो आप ये लाइन देख रहे हो ना इसको एम्ब्रॉयडरी मत समझिएगा, ये प्रिंट है और डिजिटल प्रिंट है। डिज़ाइनिंग देखें आप नेक वाले पार्ट पर कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग दी गई है, ये देख लीजिए पूरा नीचे तक आपको डिजिटल प्रिंट मिलेगा। और ये वाइट लाइन से नीचे अब आपको जो मिलेगा ये बैक वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये बैक वाला पार्ट है, इसको भी देख लीजिए। और इस वाइट लाइन के नीचे अब आपकी स्लीव्स दी गई हैं। स्लीव्स में देखिए इस वाले जो ये डिज़ाइन है इसमें स्लीव्स की लेंथ तो बहुत ही ज़्यादा दी गई है, मतलब आपकी लेंथ इतनी दी गई है बच भी जाएगी उसमें से, होता है किसी किसी पार्ट में देखिए ऐसा होता है, ठीक है। और ये अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसकी लॉन फैब्रिक में बॉटम का है और ये देखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एकदम डिज़ाइनिंग वाले आपको ये बॉटम के लिए पैच दिए गए हैं। ये बॉटम पे जब पैच लग के तैयार होगा ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये हो गया ये दुपट्टा हमारा, लॉन फैब्रिक में दुपट्टा है ये, प्रिंट आप चेक कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है, तो ये प्रिंट है इसका। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा नेक्स्ट डिजाइन्स में, ये हमारा सोबर शेड में होने वाला है, ये देखिए। इसमें देखिए जो आपको ये विजिबल हो रहा होगा, आई डोंट नो कि लाइट ज्यादा तो नहीं पड़ रही है, ज्यादा ही पड़ रही है, अब देख लीजिए, अब आपको इसमें विजिबल हो रहा होगा इसमें जो ये डिटेल्स हैं ये सारा इसकी इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है वो है, और ये इसमें क्या क्या इसका मेजरमेंट है वो लिखा हुआ है। तो ये आपका है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और ये हमारा मॉडल पिक्चर हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से, ये बहुत ही खूबसूरत पीस है, इसकी एम्ब्रॉयड्री इतनी यूनिक है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें फैब्रिक तो आप लोग मैं देखिए रिपीट बार-बार नहीं करूँगी, प्योर लॉन फैब्रिक है, आप लोग उसे कॉटन में समझिएगा। और जो जिस ब्रांड का है वो अदान लिबास है, ठीक है, ये देख लीजिए। अब आप प्रिंट इस पे सेल्फ पे प्रिंट हो रहा है और बाकी जितना भी आप ये देख रहे हैं नेक लाइन पे ये सारी एम्ब्रॉयड्री हो रही है। गोल्डन वाला जो आप देख रहे हैं ये जरी का काम है, ब्लैक कलर का सीक्वेंस वर्क है, बाकी सारा रेशम का काम है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। पूरा साइड में आपको लेस मिलेगी, मीन्स पट्टी टाइप की मिलेगी, वो आपको पता ही है। और ये वाला जो आप ये देख रहे हैं बड़ी सी एम्ब्रॉयड्री, ये भी आपको जो है एम्ब्रॉयड्री का बूटा मिलेगा। और नीचे आते आते डिजिटल प्रिंट है, ठीक है। और इस वाइट लाइन से नीचे जो ये आप देख रहे हैं ये अब इसका बैक वाला पार्ट है, ये आप प्रिंट देख लीजिए। और इस वाइट लाइन के नीचे जो है ये इसकी स्लीव्स हो गई, स्लीव्स का भी आप प्रिंट चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन था और इसके साथ में ये आपका हो गया बॉटम का फैब्रिक, क्रीम शेड में बॉटम का फैब्रिक दिया है। और बॉटम के लिए ये दिया है आपको पैच, पैच इसका बहुत खूबसूरत है, ये चेक करिए, बिल्कुल जैसे कि एम्ब्रॉयड्री आपको नेक वाले पार्ट पे दी गई है वैसी सेम एम्ब्रॉयड्री आपको पैच पे दी गई है, बहुत ही प्रिटी है। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। देखिए इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि इसका दुपट्टा लॉन फैब्रिक में है। और अगर इनके साथ आपको कोई डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर शिफॉन होता तो हम ले लेते, तो आप इसे लॉन को भी ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं लॉन ना बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपने चादर ओढ़ ली है, फिर बहुत मोटी कॉटन का दुपट्टा आपने ओढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आएगी, बहुत कम्फर्टेबल रहता है और जैसे भी आप डालना चाहेंगे वैसे ही पड़ जाएगा, ठीक है, आप प्रिंट चेक कर लीजिए। लेकिन यकीनन अगर आपने एक बार लॉन के सूट्स पहन लिया तो आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि कंफर्टेबल ही इतना होता है कि फिर बाद में ज़्यादा मोटा फैब्रिक अच्छा नहीं लगता। ये आप प्रिंट देख लीजिए अब इसका। और ये हो गया हमारा कंप्लीट ड्रेस, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग डिज़ाइन पे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा ऑरेंज शेड में है, चेक कर लीजिए, ये मेजरमेंट हो गई इसकी और ये हमारा डिजाइन हो गया। अब मैं आपको दिखा रही हूं इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है, ये चेक कीजिए। ऑरेंज देखिए, अगर इनकेस आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट या फिर वैसा वाला है, नहीं ब्राइट नहीं है, जो जैसा होता है ना बिल्कुल चमकदार वैसा वाला बिल्कुल भी नहीं है, डिसेंट रहेगा। आप लोगों को अगर ऑरेंज कलर चाहिए और आप लोग देख रहे हो तो ये बेस्ट पीस रहेगा। और ये नेक लाइन पर आप एम्ब्रॉयड्री चेक कर लीजिए इसकी,
ये देख लीजिए पूरी यहाँ तक जरी का काम है, रेशम का काम है इस पर, और प्रिंट भी चेक कर लीजिए साइड में, ये देख रहे होंगे आप, ये पट्टी दी गई है, ये देखिए प्रिंट आप चेक कर लीजिए, दामन पे भी प्रिंट मिलेगा आपको। और इस वाइट लाइन के नीचे ये जो आप मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसकी बैक वाला पार्ट है, बैक का भी प्रिंट आप देख लीजिए। और इस वाइट लाइन के नीचे हो गई है स्लीव्स, ये देखिए ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी बॉटम का फैब्रिक, ये बॉटम का फैब्रिक चेक कर लीजिए, बॉटम का फैब्रिक लाइट शेड में ही आपको पेस्टल शेड में दिया गया है। और ये इसके ऊपर के लिए पैच, ये देखिए और अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा जो है उसमें पिंक कलर भी आ रहा है। देखिए मैं आपको दिखाऊँ दुपट्टे पे कौन कौन से कलर हैं, आप एम्ब्रॉयडरी में चेक कर पा रहे होंगे और प्रिंट में भी है कि पिंक शेड है और ऑरेंज का तो ये पूरा सूट ही है, तो ये सब कलर जो है वो मिक्सअप होकर यही दुपट्टे पर प्रिंट दिया गया है। दुपट्टे का प्रिंट काफ़ी कलरफुल है और अच्छा है, बिल्कुल समर वाइब्स दे रहा है बिल्कुल ये सूट जो है, क्योंकि आप लोग कुछ जानते हैं समर्स में थोड़े से लाइक ब्राइट शेड्स पहनना अच्छा लगता है और वो लुक भी मतलब जो उनका जो गेटअप है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो अभी आप ये देख लीजिए, ये हमारा ऑरेंज वाला डिज़ाइन हो गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा एक पर्पल में शेड है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये पूरा, ये देखिए मैं आपको डिज़ाइन पास से दिखा देती हूँ ठीक है। तो ये हमारा पर्पल शेड है। देखिए मॉडल पिक्चर में क्या होता है कि अब इतनी छोटी मॉडल पिक्चर है उसमें भी थोड़ा सा कलर्स है ना वो बहुत थोड़ा सा येलो लाइट की वजह से चेंज आ गए हैं, तो इस वजह से इसमें क्या दिखाऊँ, मैं आपको जो लाइव दिखा रही हूँ वही आपको मिलेगा, तो बेटर है कि आप इस पर फोकस करें। मॉडल पिक्चर तो जब आपको सूट जाएगा तो उसके साथ चली ही जाएगी ठीक है। अब आप ये देख लीजिए पर्पल शेड में ही मैं आपको दिखा रही हूँ, और नेक लाइन पे सारी एम्ब्रॉयडरी है, ये जो आप गले पे जितना भी देख रहे हैं वो सारा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है। साइड में आप पट्टी देख रहे हैं ये भी आपको प्रिंटेड मिलेगी डिजाइनिंग के लिए। अब आप ये देख लीजिए नीचे, अब दामन की तरफ आपको डिजिटल प्रिंट मिलेगा और ये व्हाइट लाइन से नीचे अब आपको ये बैक वाला पार्ट है, प्रिंट आप चेक कर लीजिए। प्रिंट देखिए इनमें सब में बहुत बारीक प्रिंट दिया गया, क्योंकि डिजिटल प्रिंट आप लोग जानते हैं कि डिजिटल प्रिंट कैसा होता है। ये स्लीव्स वाला पार्ट है, आप ये भी देख लीजिए ठीक है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका जो बॉटम का फैब्रिक है वो आपको सेम पर्पल शेड में दिया गया है, जिसपे कि आपका ये जो पैच है ये लग के तैयार होगा, ये देखिए। देखिए अगर इनकेस आपको बॉटम पे पैच नहीं अच्छा लगता तो आप कोई बात नहीं मत लगवाइए इसको, कहीं और यूज़ कर लीजिए, स्लीव्स पे लगा लीजिए या कहीं और लगा लीजिए, वो तो फिर आपका पैच ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लगवाएं, आप लोग उसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है। और अब मैं आपको इसका सेम पर्पल शेड में ही, और कलरफुल है थोड़ा सा दुपट्टे का प्रिंट, ये देख लीजिए, ये मैं आपको दुपट्टे का प्रिंट दिखा रही हूँ, दुपट्टा इसका लॉन फैब्रिक में है, ये देख लीजिए ठीक है। तो ये हमारा दुपट्टा हो गया, दुपट्टे का भी आपने देख लिया कितना कलरफुल है। देखिए सबके दुपट्टों पे ना प्रिंट वही है जो इसकी नेक लाइन पे कलर्स यूज हो रहे हैं, या फिर जो कुर्ते का कलर है, पैचेस का कलर है, वही सेम कलर का प्रिंट आपको दुपट्टे पे दिया गया है ठीक है। लेकिन डिजाइंस जो पीसेस हैं, जो डिजाइंस हैं इनके सब के सब बहुत लाजवाब हैं, और फैब्रिक भी इनका आपको बिल्कुल A1 क्वालिटी का मिलने वाला है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा नेक्स्ट डिजाइन, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको दिखाया था सोबर शेड में, उसी का ही जैसा दूसरा हमारे पास डिजाइन है, ये देख लीजिए ठीक है, ये देखिए। अब जब मैं इसे ओपन करूंगी तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा, ये देखें कलर आपको पता चल ही रहा होगा कि क्या है इसका। एम्ब्रॉयडरी का मैं आपको बता दूं, ब्लू प्लस वाइट के कॉम्बिनेशन में एम्ब्रॉयडरी है, साथ में इसमें जरी का काम भी है। प्रिंट आप देख लीजिए साइड्स में प्रिंट हो मिलेगा आपको, दामन की तरफ आपको डिजिटल प्रिंट मिलेगा, और इस वाइट लाइन के नीचे आपका है बैक वाला पार्ट, यहाँ से आपके बैक का पार्ट है कनेक्टेड, और ये हो गया इसका बैक वाले पार्ट का बॉर्डर, और इस वाले वाइट लाइन के नीचे ये है आपकी स्लीव्स। तो ये हमारा जो डिज़ाइन था ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट में था, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको दिखाया था, थोड़ा सा लाइट वो डार्क क्रीम से शेड का था, उसी के ही जैसा दूसरा कॉन्सेप्ट में है ये, और ये सेम इसी डार्क ग्रे शेड में। देखिए इसका जो काफ़ी जो कलर है ना, जो गेटअप है वो डार्क ग्रे की तरफ है, तो यही सेम शेड में जिस शेड का कुर्ता है उसी शेड में आपको बॉटम दिया गया है, जिसपे कि आपके लगेंगे ये पैचेस,
ये देख लीजिए काफ़ी लंबा पैच है, तो आपके बॉटम पे आप लगवाना चाहे बॉटम पे भी लग जाएगा, और चाहे तो स्लीव्स भी अगर आप मेजर करके देख लें अगर लग जाए तो आप स्लीव्स पे भी लगवा सकते हैं। और अब मैं आपको इसका लॉन फैब्रिक में दुपट्टा दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए प्रिंट आप चेक कर लीजिए दुपट्टे का, सेम प्रिंट है जैसा आपको कुर्ते पे दिया गया है प्रिंट, वही सेम प्रिंट आपको मिलेगा दुपट्टे पे, ये चेक कर लें। ठीक है, अब हमारा रह गया है एक लास्ट पीस आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं वो भी जल्दी से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो हमारा लास्ट पीस है ये डार्क ग्रीन शेड में है, हमारा देखिए थोड़ा सा ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कहते हैं ना जैसे कि हम लोग हिंदी में कह देते हैं काया कलर है, वैसा ही वाला थोड़ा सा शेड लग रहा है और डार्क है, मतलब जो ओवरऑल अगर कहें कि कैसा है लाइट है डार्क है तो डार्क की तरफ है इसका शेड, बाकी सब आपको विजिबल हो जाएगा। अब आप ये देख लीजिए मैं आपको समझा देती हूँ, पूरे के पूरे ड्रेस पे आपको डिजिटल प्रिंट मिलेगा, जो भी प्रिंट है वो डिजिटल प्रिंट मिलेगा, बाकी बीच में जितना आप ये देख रहे हो ये सारी एम्ब्रॉयडरी हो रही है इस पर, एम्ब्रॉयडरी आपको हर डिज़ाइन पे आपको रेशम की प्लस जरी की एम्ब्रॉयडरी दी गई है, ठीक है, किसी किसी पे आपको सीक्वेंस वर्क भी मिल रहा है। तो ये साइड में देख लीजिए ये तो पट्टी दी गई है, बाकी का जितना भी आप ये देख रहे हो सारा सब का सब डिजिटल प्रिंट है। और ये हमारा हो गया बैक वाला पार्ट, बैक का प्रिंट है ये, और ये वाइट लाइन से नीचे हमारी हो गई स्लीव्स। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात इसमें बता दूं कि जो ये बॉटम वाला पार्ट हो गया, ठीक है, सेम कलर में है, ये हमारा पैच हो गया, और दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए दुपट्टे ना सबके बहुत प्रिटी हैं, मतलब देखिए ऐसे दुपट्टे हैं कि कितना कलरफुल हैं, बहुत ही प्यारा लुक दे देते हैं एकदम से सूट को, ये देखिए। इसके दुपट्टे में आपका मस्टर्ड शेड जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो ये देख लीजिए क्योंकि मस्टर्ड शेड आप लोग देख ही रहे हैं पैच में भी है, एम्ब्रॉयडरी में भी है, और ये प्रिंट जो है कुर्ते पे उस पर भी है पैच है। ठीक है, ये ड्रेसेस जो भी लोग ले रहे हैं प्लीज़ मैं उनसे कह दूंगी कि आप लोग स्टिचिंग में देने से पहले इसको ज़रूर श्रिंक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लॉन का फैब्रिक है, प्योर लॉन है, आपका जो फर्स्ट वॉश होगा उसके बाद ये श्रिंक होगा ही होगा, तो इसलिए बेटर है कि आप स्टिचिंग से देने से पहले इसको श्रिंक कर लें जिससे कि आपका मेजरमेंट जो है जो फिटिंग है वो सही रहे। और अगर इनकेस किसी को मतलब कोई भी अगर स्टिचिंग की मतलब मुझे देना चाहता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको प्राइसेस बता दूंगी कि स्टिचिंग जो हमारी फैसिलिटी है उसके क्या चार्जेस हैं, क्या क्या मतलब अगर आप ट्राउज़र बनवा रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा करवा रहे हैं तो उसके क्या क्या चार्जेस हैं। ठीक है, और इसमें एक बात और मुझे करनी थी कि अबाउट रिगार्डिंग लाइनिंग और वो सब, क्योंकि आप लोग काफ़ी क्वेरी करते हैं, तो लाइनिंग की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और बाकी कलर पे भी डिपेंड करता है क्योंकि आप लोग सब जानते हो लॉन में कह रही हूँ, प्योर लॉन अगर मैं कह रही हूँ, क्योंकि लॉन अब इंडिया में भी कॉमन हो गया है कि नॉर्मल कॉटन को भी लॉन कह के ही एड्रेस करा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो ये प्योर लॉन है वो हल्का ही मटेरियल होता है, थिन ही होता है, यही इसकी खासियत है। तो अगर इसमें देखिए आप अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो लाइनिंग लगवा सकते हैं, नहीं चाहें तो आप लॉन्ग शमीज़ पहन सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा, लाइनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा सी थ्रू नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये हमारे सारे डिज़ाइंस थे, आपको जो भी इसमें से अच्छा लगा हो, जो भी आपको परचेज़ करना हो आप लोग मुझे फ़ौरन व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे पास 10 डिज़ाइंस जो हैं वो 10 के 10 ही आए हैं। अब अगर आप लोग ये कहेंगे कुछ स्टॉक आउट हो जाता है तो ये हमें चाहिए, तो फिर ऐसे सिंगल्स में नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो बेटर होगा आप लोग मुझे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर दें। और स्टिचिंग का अगर आप कहीं बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं कि हम स्टिच कहाँ करवाएंगे कहाँ पहनेंगे, तो आप लोग मुझसे भी स्टिचिंग करवा सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, आप मेजरमेंट देंगे मैं आपको स्टिच हम लोग आपको स्टिच करा हुआ ड्रेस सेंड कर देंगे, और स्टिचिंग के लिए हम लोग अराउंड 2 या 3 डेज मान के चलते हैं लेके चलते हैं। ठीक है, तो जो भी है आपको डिटेल्स व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।